प्रधानमंत्री जी के अमृत वचन सुनेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। मध्य प्रदेश में युवाओं को सरकारी नौकरी देने का अभियान तेज गति से चल रहा है। अलग अलग जिलों में रोजगार मेलों का आयोजन कर विभिन्न पदों पर हजारों युवाओं की भर्ती की गई है। इनमें से 22,400 से ज्यादा युवाओं की शिक्षक के पद पर भर्ती हुई है। आज अनेकों युवाओं को नियुक्ति पत्र भी मिले हैं। मैं सभी युवाओं को शिक्षण जैसे महत्वपूर्ण कार्य से जुड़ने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, केंद्र सरकार ने आधुनिक और विकसित भारत की आवश्यकताओं को देखते हुए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की है। ये नीति बच्चों के सर्वांगीण विकास, संपूर्ण विकास, ज्ञान, कौशल, संस्कार और भारतीय मूल्यों के संवर्धन पर जोर देती है। इस नीति को प्रभावी रूप से लागू करने में शिक्षकों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। मध्य प्रदेश में व्यापक तौर पर शिक्षक नियुक्ति का अभियान इस दिशा में एक बड़ा कदम है। मुझे बताया गया है कि कुल नई भर्तियों में से लगभग आधे शिक्षक आदिवासी इलाकों के विद्यालयों में नियुक्त होंगे। इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति से सबसे अधिक लाभ ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को होगा, हमारी भावी पीढ़ी को होगा। मुझे खुशी है कि एमपी सरकार ने इस वर्ष 1,00,000 से अधिक सरकारी पदों पर भर्ती का लक्ष्य रखा है। इस साल के अंत तक 60,000 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति का भी लक्ष्य है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे में एमपी ने शिक्षा की गुणवत्ता में बड़ी छलांग लगाई है। इस रैंकिंग में एमपी का स्थान 17वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंच गया है, यानी 12 नंबर की छलांग, और वो भी बिना हो हल्ला किए, बिना शोर मचाए, बिना विज्ञापनों पर पैसे लुटाए, चुपचाप। इस तरह का कार्य करने के लिए समर्पण चाहिए। समर्पण के बिना यह संभव नहीं होता है। एक प्रकार से साधना भाव चाहिए, शिक्षा के प्रति भक्ति भाव चाहिए। मैं मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को, मध्य प्रदेश के सभी शिक्षकों को, एमपी सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में इस महत्वपूर्ण सिद्धि के लिए और इस मौन साधना के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आजादी के अमृत काल में देश बड़े लक्ष्यों और नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहा है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विकास के जो कार्य हो रहे हैं, वो आज हर सेक्टर में रोजगार के नए अवसर बना रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में आज जिस तेज गति से
इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण की रफ्तार बढ़ी है, उससे भी रोजगार की नई संभावनाएं बन रही है। जैसे कुछ ही दिन पहले भोपाल से दिल्ली के बीच वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हुई है। इस ट्रेन से प्रोफेशनल्स, कारोबारियों को तो सुविधा मिलेगी, साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ऐसी अनेक योजनाओं से भी स्थानीय उत्पाद दूर दूर तक पहुंच रहे हैं। ये सभी योजनाएं रोजगार बढ़ाने और आय बढ़ाने में मदद कर रही है। इसके साथ ही मुद्रा योजना से उन लोगों को बड़ी मदद मिली है जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर थे, लेकिन स्वरोजगार करना चाहते थे। सरकार ने पॉलिसी लेवल पर जो बदलाव किए हैं, उसने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी रोजगार के अनेकों नए अवसर बनाए हैं। साथियों, रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार का स्किल डेवलपमेंट पर भी विशेष जोर है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए देश भर में कौशल विकास केंद्र खोले गए हैं। इस वर्ष के बजट में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोलने का ऐलान किया गया है। इनमें युवाओं को न्यू एज टेक्नोलॉजी के द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी। इस साल के बजट में पीएम विश्वकर्मा योजना के जरिए छोटे कारीगरों को ट्रेनिंग देने के साथ उन्हें एमएसएमई से भी जोड़ने की पहल की गई है। साथियों, एमपी में जिन हजारों शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, उन्हें मैं एक और बात कहना चाहता हूं। आप अपने पिछले 10-15 वर्ष के जीवन को देखिए, आप पाएंगे कि जिन लोगों ने आपके जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव डाला, उनमें आपकी माताजी और आपके शिक्षक जरूर है। जिस तरह से ये आपके हृदय में है, आपके शिक्षक आपके हृदय में है, वैसे ही आपको अपने विद्यार्थियों के दिल में जगह बनानी है। आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी शिक्षा देश का सिर्फ वर्तमान ही नहीं बल्कि भविष्य भी संवारेगी। आपकी दी गई शिक्षा सिर्फ एक विद्यार्थी में ही नहीं बल्कि समाज में भी परिवर्तन लाएगी। आप जिन मूल्यों को आगे बढ़ाएंगे, वो सिर्फ आज की पीढ़ी के ही नहीं बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों पर सकारात्मक प्रभाव पैदा करेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि बच्चों की शिक्षा और उनके संपूर्ण विकास के लिए आप हमेशा समर्पित रहिएगा। और एक बात मैं हमेशा मेरे लिए कहता हूं, मैं हमेशा कहता हूं कि मैं मेरे भीतर के विद्यार्थी को कभी मरने नहीं देता हूं। आप शिक्षक भले हैं, लेकिन आपके भीतर के विद्यार्थी को हमेशा जागृत रखिए, हमेशा चेतनवंत रखिए। आपके भीतर का विद्यार्थी ही आपको जीवन की अनेक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। एक बार फिर आप सबको मेरी बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।